महिला ने अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मथुरा में आपके टीवी व मोबाइल स्क्रीन पर देख रही यह महिला नीलम पत्नी स्वर्गीय नहने उर्फ नेहनू पुत्री रामनिवास गांव लादपुर थाना रिफाइनरी जिला मथुरा पूर्व में रहती थी। अब हाल ही में नीलम ग्राम दतलाना थाना सोरो जिला कासगंज रहने लगी है। हम आपको बताते चले कि नीलम का कहना है कि शिशु शनि 6 वर्ष, ऐश उर्फ ऐशु 4 वर्ष, गुरु पौने 2 वर्ष है। तीनों बच्चे नहने उर्फ नहनू पुत्र सियाराम से है। नीलम ने दूसरी शादी नहीं की है। दिनांक 1 अगस्त 2022 को उसके ससुराली जनों ने घर से मारपीट की और पति को उलाहने दिए। पति ने उनके उलाहने से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। नीलम एवं उसके परिवारी जनों को पति की आत्महत्या के झूठे केस में फंसा कर जेल भिजवा दिया और उपरोक्त तीनों शिशुओं को नीलम से छीन लिया। उसी समय से उपरोक्त तीनों शिशु विपक्षी जनों के पास है। नीलम ने उक्त मुकदमा में जेल से रिहा होने के बाद अपने उपरोक्त नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा के लिए ससुराली जनों से काफी प्रयास किए हैं, लेकिन उन्होंने नीलम के नाबालिग शिशुओं की अभिरक्षा नहीं दी है। नीलम ने दिनांक 29 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपने तीनों बच्चों को लेने के लिए अर्जी लगा चुकी है। आज दिनांक 24 जून 2024 को नीलम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को लिखित शिकायत पत्र देकर अपने तीनों बच्चों को लेने की गुहार की है। अपने बच्चन के मारे कैसे मेरे बच्चे मेरे जेठ जेठानी नहीं दे रहे हैं। उसमें लड़ाई झगड़ा हुई, मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए। फिर मैं जेल काट के आई कि जेल काट के बच्चे दे देंगे, फिर मेरे बच्चे नहीं दे रहे हैं वो। तो आप जेल के कारण नहीं थे? मैं घरवारी ख़त्म है इसलिए झूठ आरोप लगा दो मुझ पर। और भाई भाई लड़े थे, मुझे कुछ नहीं पता है। और फिर मुझे जेल भेज दिया, जेल से आई फिर कह रहे बच्चे दे देंगे। अब मैं बच्चे मांग रही हूँ तो मुझे बच्चे नहीं दे रहे हैं। फिर कई कोर्ट से बच्चे देंगे, हम मैं कोर्ट भी लड़ी थी, कोर्ट से भी मुझे ऑर्डर मिल गया, अब मुझे बच्चे भी नहीं दे रहे हैं वो। तो वो कोर्ट के ऑर्डर अभी नहीं दे रहे बच्चे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं आ रही है मेरी। दीपक गुप्ता एडवोकेट नाम है मैडम। मैडम का मसला? इन मैडम का मसला ये है कि इनको शुरुआत में शादी के बाद से ही दहेज के लिए मारपीट करते थे इनके ससुराली जन, जिसका इन्होंने एक मुकदमा कासगंज में भी डाला था। उस मुकदमे में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके इनके पति इनको अपने पास घर पर वापस ले आए थे। इनके 3 बच्चे भी थे, जिससे उनके पति को बहुत प्रेम था। इस वजह से उन्होंने पति पत्नी ने अपना झगड़ा भुला के बच्चों के भविष्य की खातिर एक साथ रहने का निर्णय किया था, जिसमें कि वो घर पे आराम से रह रहे थे अपनी पत्नी बच्चों को लेके। लेकिन इस बात को लेके उनकी नीलम के जेठ और जेठानी जो भी कृपाल और अजय हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको ये बात पसंद नहीं थी कि जिस औरत ने हमारे घर वालों को कोर्ट में खींचा है, हम उसको इस घर में नहीं रहने देंगे। इसलिए इसको भगाते थे और अजय और कृपाल उससे लड़ते थे नेहनू से, जिस कारण उसने गृह क्लेश से तंग आके आत्महत्या कर ली। और उस आत्महत्या को एक बहुत ही हत्या का रंग रूप देते हुए अजय ने बाकायदा एक चक्षुदर्शी गवाह बनते हुए एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें इनके 6 परिवार के 9 लोगों को भाई बहन सहित लिखाया गया, जिसमें 3 लोगों की नामजदगी गलत पाई गई क्योंकि वो घटना के समय पंजाब में थे। और इनको झूठा जेल में फंसा दिया उन लोगों ने। और पुलिस CD में चार्जशीट में किसी ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये लोग हत्या में शामिल रहे या हत्या आत्महत्या इनकी वजह से की है उन्होंने। इसके बाद उनके 3 बच्चे छिना लिए, पति ने आत्महत्या कर ली। ये माननीय न्यायालय गई, न्यायालय से अपने बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर करा लिए हैं, लेकिन पिछले 6 दिन से ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद 18 तारीख से, क्योंकि उसमें 72 घंटे का समय अभिरक्षा के लिए इनको दिया गया था, इसके बावजूद आज 18 तारीख से 24 तारीख हो गई है, ये थाने लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश का तनिक भी पालन नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में SSP साहब से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए हम पुणे कोर्ट में जाएंगे और मांग करेंगे कि कोर्ट अपने आदेश का पालन अन्य तरीके से कराए, क्योंकि पुलिस तो मुलजिमानों से, विपक्षी गढ़ों से मिल चुकी है।